दोस्तों, आज जिन जॉब्स की हम बात करने वाले हैं वो आई है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 30 तरह की जो जॉब है, 38 टाइप्स की जो जॉब्स है वो आई है, जिसके बारे में आगे आपको पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्म फिल करना कैसे है। तो दोस्तों, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको फिल करके और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बैंक में पे करके ड्राफ्ट बना के उसके साथ आपको पोस्ट करना है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की कि जॉब कौन कौन सी आई है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है और किस एड्रेस पे भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए सबसे पहली जॉब जो आई है वो है वार्ड अटेंडेंट की जॉब। अब वार्ड अटेंडेंट के लिए उन्हें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सिर्फ मिडिल क्लास पास मांगी, यानी सिर्फ आप 8 तक पढ़े होने चाहिए और वार्ड अटेंडेंट की 39 जॉब्स जो है वो आप असेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट की जॉब भी है जिसकी 3 वैकेंसीज है और इसके लिए भी मिडिल क्लास पास ही चाहिए। इसके अलावा स्वीपर की वैकेंसीज है, जो हम झाड़ू मारने वाला होता है, उसकी भी वैकेंसीज अवेलेबल है, 7 वैकेंसीज उसकी है। और उसके लिए सिर्फ इतनी कंडीशन है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत, इसकी ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर की जॉब भी है, आप ये उसको मिलेगी जिसने प्लस टू की है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से और उसके बाद बीएससी इन रेडियोग्राफी की है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। तो ये सारे लोग नहीं फिल कर सकते, लेकिन कुछ लोग फिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जॉब भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, 34 वैकेंसी जिसकी है और इसके लिए भी आपका प्लस टू पास होना चाहिए और बीएससी एमएलटी आपकी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए। ये आपकी 5वीं जॉब है। तो टोटल हम 38 जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप अच्छे से सुन लो और फिर आप देख लो कि कौन सी जॉब के लिए आप पूरी तरह एलिजिबल हो, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जॉब है, ओटी की जॉब है, जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर में डिप्लोमा वगैरह किया है या बीएससी की है ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि एक तो प्लस टू पास होना चाहिए बच्चा और एक बीएससी होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप ओटी के एक्सपर्ट हैं तो आप इस जॉब को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है फार्मासिस्ट की जॉब, जो फार्मेसी वगैरह होती है। तो फार्मासिस्ट के लिए जो उन्होंने मांगा है वो मांगा है प्लस टू और साथ में आपने एम फार्मा या बी फार्मा की होगी। प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसने एम फार्मा की है, बी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एम फार्मा वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन में इंटरेस्टेड है तो 7 वैकेंसीज यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की भी है। इसके लिए आपको आपके पास कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए और वो भी 50% मार्क्स के साथ और आपका 2 साल ITI में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब 2 साल का आपको ITI डिप्लोमा चाहिए और उसमें उसके साथ 1 ईयर का अगर इलेक्ट्रिशियन एक्सपीरियंस है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्लम्बर की जॉब भी है, PLUMBER, इसको कुछ लोग प्लम्बर भी बोलते हैं लेकिन इसका जो असली वर्ड है वो होता है प्लम्बर, ठीक है जी। 3 वैकेंसीज इसकी भी है, यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन मांगी है 50% मार्क्स के साथ और साथ में उन्होंने बोला है कि 1 ईयर का ITI हो, ठीक है, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका प्लम्बर का होना ही चाहिए तभी आप ये जॉब फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो काफ़ी सारी वैकेंसी 67 वैकेंसीज जो है वो क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकली है। इसके लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास 120 आवर्स का यानी 6 मंथ का किसी ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट चाहिए आपको 120 आवर्स का, इसका मतलब 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक थर्ड कंडीशन भी दी है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में O-लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको पंजाबी और इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आनी चाहिए, टाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 30 वर्ड्स पर मिनट। और जो अच्छी जॉब आई है जो लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करती है वो है स्टाफ नर्स, जॉब नंबर 11, इसकी भी 45 वैकेंसीज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस टू पास मांगी है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सिंग का, ठीक है, पंजाब नर्स आपकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, आप रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए सिंपली, ठीक है, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास बीएससी नर्सिंग है और एक्सपीरियंस को भी प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है बीएससी नर्सिंग भी है तो आप इस जॉब के लिए अच्छी तरह से एलिजिबल है। उसके बाद भी कुछ जॉब्स आई है, जैसे कि यहाँ पे आई है आप देख सकते हैं पंप ऑपरेटर की जॉब जिसमें 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए आपको। उसके बाद गैस प्लांट टेक्नीशियन की 2 जॉब्स हैं यहाँ पे आपको प्लस टू चाहिए और साथ में इलेक्ट्रीशियन या पंप ऑपरेटर का ITI में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने गैस ऑपरेटर के लिए मांगा है। उसके बाद है डीजल इंजन मैकेनिक,
तो एक वैकेंसी उसकी भी है, यहाँ पे मैट्रिक चाहिए 50% मार्क्स के साथ और वन ईयर का ITI और वन ईयर का एक्सपीरियंस। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी जॉब फिल करनी है। आगे बहुत सारी जॉब्स अभी आ रही हैं। ECG टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज है यहाँ पे, यहाँ पे प्लस टू मांगी है और बैचलर डिग्री भी मांगी है 50% मार्क्स के साथ और वन ईयर का ECG का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो अगर आप ECG एक्सपर्ट है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद LA की वैकेंसी है, ठीक है, और 23 वैकेंसीज इसकी है और यहाँ पे भी प्लस टू पास चाहिए, डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लेबॉर्ट्री में, क्योंकि इसमें मेडिकल लेबॉर्ट्री का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास चाहिए यू नो कॉरेस्पॉन्डेंट डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप ओपन में पढ़े तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद कारपेंटर की जॉब आती है, 3 वैकेंसीज उसकी है, यहाँ पे आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन और वन ईयर का ITI और वन ईयर का एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, यहाँ पे लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, इसकी भी 2 वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छी हैं या अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रेफर किया जाएगा, ये भी क्लियर है। वन ईयर का PGDCA अगर आपके पास होना ही चाहिए, मतलब इसके बिना नहीं चलेगा। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट आपको क्लियर करना है इंग्लिश और पंजाबी में 30 words per minute वाला, तो ये चीज़ें आपको चाहिए। ऐसे ऑडियो विजुअल अटेंडेंट, ठीक है, जिसमें आपके पास कम से कम प्लस टू होनी चाहिए और 1 साल का ऑडियो विजुअल का डिप्लोमा भी चाहिए आपको। AC ऑपरेटर, अगर आप AC वगैरह ठीक कर सकते हैं, 4 वैकेंसीज इसकी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन और 10th में आपने पंजाबी पढ़ी हो ऐसा कुछ चाहिए और 2 साल का ITI कोर्स चाहिए, जो अपना आपके यू नो एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर वाला कोर्स होता है ITI का, वो आपको पास चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेल्डर की वैकेंसीज है, यहाँ पे 1 वैकेंसी वेल्डर की भी है, इसकी भी कंडीशंस उन्होंने दी हुई है देख सकते हो आप, मैट्रिकुलेशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का जो है डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके अलावा लॉन्ड्री ऑपरेटर, जो कपड़े वगैरह धोते हैं जिसको हम धोबी बोल देते हैं आम लैंग्वेज में, 2 वैकेंसीज उसकी है। अब धोबी भी कम से कम 10th पास होना चाहिए और उसको 5 साल का धोबी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 5 साल उसने कम से कम कपड़े धोए हो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे घर पे हो, घर पे मतलब अपने घर पे नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के घर पे, अपने घर पे तो सारे धो लेते लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। और ANM, अगर आपने ANM किया है, ठीक है, तब भी आप, जैसे उसमें प्लस टू चाहिए और ANM का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। ऐसे ही डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं जिसकी 2 वैकेंसीज अवेलेबल है, यहाँ पे भी प्लस टू मांगी है और BSc मेडिकल मांगी है, ये चीज़ें हैं। लास्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज है, डेंटल टेक्नीशियन की है, अगर आपने प्लस टू की है और साथ में BSc डेंटल की है तो आप ये वाली वैकेंसी फिल कर सकते हैं। लिफ्ट मैन है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन की है और 1 साल का डिप्लोमा है आपके पास तो आप लिफ्ट मैन में जा सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसीज है तकरीबन सभी मिडिल पास ही हैं, तो मैं सारी बता देता हूँ आपको। एक तो हॉल अटेंडेंट है, वाटरमैन अगर आप पानी पकड़ाने वाले, ठीक है, स्ट्रेच बीरर है, फीमेल आया है, आया का मतलब होता है जो बच्चे वगैरह पालते हैं, तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज आया की भी है, अगर आप 8वीं क्लास पास है तो आप आया की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। कॉमन रूम बीरर है, वर्कशॉप अटेंडेंट है, इन सब के लिए मिडिल पास चाहिए, इनमें कोई खास काम नहीं होता है, आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाती है और आप काम स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कुक की वैकेंसी, अगर आप खाना बनाने के शौकीन है, कुक में हेल्पर आप लग सकते हैं, यहाँ पे हेल्पर टू वार्डन भी है, वार्डन के जो असिस्टेंट होते हैं उसकी भी वैकेंसी आई है, और हेल्पर टू इलेक्ट्रीशियन भी है। इसके लिए आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस आप 8th क्लास तक पास हो, तो इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर की भी 6 वैकेंसीज है, बिकॉज इलेक्ट्रीशियन सारा काम अकेले नहीं कर सकता, उसको भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा कुक की 5 वैकेंसीज है जिसके लिए आप मिडिल पास होने चाहिए। और लास्ट 2 जो वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेलर की 1 वैकेंसी है, अगर आपको कपड़े सीने का शौक है और आपने कटिंग में या टेलरिंग में डिप्लोमा किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और साथ में आप 10th पास है तो आप ये वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है CSSD एक टेक्नीशियन, इसमें आपका कम से कम प्लस टू और BSc, ये 2 चीज़ें चाहिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा यहाँ पे आप पूरा नोटिस अगर पढ़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि 11th of 11, मतलब 11 नवंबर तक ये वैकेंसीज फिल होके, आपका फॉर्म फिल होके वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए, ये वैकेंसीज आपका वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल की फ़ीस इन्होंने 100 रुपये रखी है और SC ST या जितनी भी बाकी कैटेगरीज है उसकी 50 रुपये रखी है। तो वो फ़ीस आपने कैसे पे करनी है, फ़ीस आपने ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है, आपने एक ड्राफ्ट बनाना है,
यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार BFUHS पेबल एट फरीदकोट। इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप पहले तो ड्राफ्ट बनाइए बैंक में जाके, ठीक है, और ये तो कुछ सेकंड्स का ही काम है मेरे ख्याल से, टोटल अगर आप करें तो एक ही दिन लगेगा आपको, क्योंकि आप पहले बैंक में जाओगे, वहाँ पे अच्छे से ड्राफ्ट बना लोगे 50 या 100 रुपये का, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अगर आप जनरल है तो आपका 100, और अगर आप SC ST या कोई भी और रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 50 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा, बस वो बन जाता है कुछ 10-15 मिनट में। फिर आप किसी कैफ़े में जाइए, वहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म फिल कीजिए और उसको एक लिफाफे में इनवेल्प में बंद करके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, वो सारा काम आपके लिए कैफे वाला कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये सिर्फ फरीदकोट जाना है तो एक आधे दिन में ये पहुंच जाता है, बड़े आराम से पहुंच जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम है। तो आप जो नोटिफिकेशन है वो भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन लेटर है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट का लिंक भी मैंने इस जो ये वाला जो नोटिस आया इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वैसे तो मैंने सारा पार्ट्स कवर कर दिया है, एक एक जॉब के बारे में बता दिया है, ये भी बता दिया है कि आपने कहाँ ये फॉर्म फिल करना है और कहाँ पे भेजना है, बाकी सारी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और तीनों के लिंक भी मैंने डाल दिए। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, फिर भी कुछ रह गया तो आप प्लीज़ मुझे जो रिटर्न सेक्शन होता है यूट्यूब का, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और जल्दी आंसर दे दूँगा उसका, ठीक है जी। आज की इस वीडियो में इतना ही है, आज की वीडियो खत्म होती है यहाँ पे, आप ये फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।